गुड इवनिंग। आज जो हम लोग चैप्टर ले रहे हैं क्लास 6 का है, दैट इज़ लिटरेचर बुक का है। एंड चैप्टर का नेम है कि अंकल पॉजर हैंग से पिक्चर। तो दिस इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द 3 मैन इन ए बोट, ए हिलेरियस नावल बाय जेरोम के जेरोम। एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है जो एक नावल था, बहुत बढ़िया सा नावल था, 3 मैन इन ए बोट, बहुत मजाकिया नावल है, उसमें से लिया गया है। नथिंग सीम्स टू बी राइट व्हेन अंकल पॉजर डिसाइड टू हैंग ए पिक्चर ऑन द वॉल। ऐसा लगता है कि कुछ भी सही नहीं हो रहा जब अंकल पॉजर जो है एक अपनी कोई फ़ोटो जो है वो फ़ोटो फ्रेम जो है दीवार पर टांगने की कोशिश करते हैं। तो वो टाइम में क्या क्या बड़ी हंसने वाली चीज़ें होती है वो इसमें बताई गई है। हैरिस ऑलवेज रिमाइंड मी ऑफ माई पुअर अंकल पॉजर। तो हैरिस जो है उसको याद दिलाता है, मतलब जो राइटर बोल रहा है हैरिस जो है उसको अंकल पॉजर की याद दिलाता है। यू नेवर सॉ सच ए कॉमोशन अप एंड डाउन ए हाउस इन ऑल योर लाइफ एज वेन माई अंकल पॉजर अंडर टुक टू डू ए जॉब। आपने कभी नहीं देखा होगा जैसा कॉमोशन, कॉमोशन मतलब नॉइजी एंड कन्फ्यूजन जो घर में चलता है, इधर उधर भाग रहे हैं लोग, इस तरह से ऐसी सिचुएशन बन जाती है जब अंकल पॉजर जो है कुछ जॉब करते हैं, तो घर में कुछ जॉब करते थे। ए पिक्चर वुड हैव कम होम फ्रॉम द फ्रेम मेकर्स एंड बी स्टैंडिंग इन द डाइनिंग रूम वेटिंग टू बी पुट अप। एक पिक्चर जो है जब आती है कि फ्रेम मेकर, फ्रेम जो बना के फ्रेम बना बनाने वाला जो होता है वो देता है, वो डाइनिंग रूम में पड़ी रहती है, उसको लगाना है। एंड आंट पोजर वुड आस वॉट वॉज टू बी डन विथ एंड अंकल पोजर वुड से। तो आंटी जो पूछती इसके साथ क्या करना है, इसका क्या करना है, तो अंकल पोजर बोलते हैं ओ यू लीव दैट टू मी, ये काम तो मेरे पर छोड़ दो, डोंट यू एनी ऑफ यू वरी योर सेल्फ अबाउट दैट, आई विल डू ऑल दैट। आप में से किसी को इस काम की चिंता नहीं करनी है, मैं इसको कर दूंगा। तो वो इस तरह से बोलते हैं। ओके ओ यू ओके एंड देन ही वुड टेक ऑफ हिज कोट एंड बिगिन, और अपना कोट उतार के वो चालू कर देते हैं। ही वुड सेंड द गर्ल आउट फॉर 6 पैन वर्थ ऑफ नेल्स एंड देन वन ऑफ द बॉयज आफ्टर हर टू टेल हर व्हाट साइज टू गेट। तो वो अपना कोट उतारने के बाद बोलते हैं कि गर्ल, एक किसी गर्ल को बोलते हैं अपने घर में जो काम वाली मेड है उनकी, जो सिक्स पैन वर्थ ऑफ नेल्स, मतलब 6 पैनी वर्थ ऑफ नेल्स, मतलब 6 पैनी के कुछ नेल्स लेके आने को बोलते हैं, नेल लेने के आने को बोलते हैं। पैनी मतलब छोटे छोटे वो जो करेंसी वो टाइम में चलती थी। देन उसके पीछे पीछे के लड़के को भी भगाते थे कि कौन सा साइज लेके आना है ये बता के आओ उसको। एंड फ्रॉम दैट ही वुड ग्रेजुअली वर्क डाउन एंड स्टार्ट द होल हाउस, और फिर वो वहाँ से वो मतलब अपनी एक्टिविटी चालू करते हैं और पूरे घर को उस काम में लगा देते हैं। नाउ यू गो एंड गेट मी हैमर, माई हैमर विल ही वुड शाउट एंड ब्रिंग मी द रूल टॉम, मतलब पहले किसी को बोलेंगे मेरा मेरा हैमर लेके आओ, फिर किसी को बोलेंगे कि रूल लेके आओ, टॉम को बोला। एंड आई शेल वॉन्ट द लेटर, टॉम को बोला कि एंड आई हैड बेटर हैव ए किचन चेयर, मुझे किचन चेयर चाहिए बिकॉज यू वाली सूटेबल रहेगी करके सोचते हैं। एंड जिम जिम को बोला रन अराउंड टू मिस्टर गूगल्स एंड टेल हिम पास काइंड रिगार्ड्स एंड होप इज लेग्स बेटर। तो जिम को बोलते हैं कि भाई तुम मिस्टर गूगल्स के पास जाओ और मेरी तरफ से उनकी अच्छी मेरी तरफ से रिगार्ड्स देना और बोलना कि होप अभी उनका मैं भी उनकी लेग में कुछ चोट लगी होगी, अभी लेग उनका बेटर होगा, ऐसा ऐसा वो बोले, ऐसा उनको बोलना। एंड विल ही लैंड मीन्स स्पिरिट लेवल, क्या वो अपना स्पिरिट लेवल जिससे एक लेवलिंग मेजर करते हैं वो लाने के लिए उसको भी बोला। एंड डोंट यू गो मारिया बिकॉज आई शैल वॉन्ट समबडी टू होल्ड द लाइट, हमारे तुम कहीं मत जाना, मुझे कोई पर्सन चाहिए जो लाइट को पकड़ के रखे। एंड वैन द गर्ल्स कम बैक शी मस्ट गो आउट अगेन विद फॉर ए बिट ऑफ स्ट्रिंग, और जब वो गर्ल वापस आ जाती है नेल्स लेके तो फिर उसको वापस भेजते हैं कि भाई एक धागा लेके आओ, स्ट्रिंग लेके आओ। एंड टॉम वेयर इज द टॉम, टॉम यू कम हियर आई शैल वॉन्ट यू टू हैंड मी द पिक्चर, टॉम तुम इधर आओ मुझे ये पिक्चर हैंड ओवर करो, मुझे पिक्चर दे दो करके। ओके एंड देन ही वुड लिफ्ट अप द पिक्चर एंड ड्रॉप इट, जब पिक्चर को उठाते और गिरा देते थे। एंड वुड कम आउट ऑफ द फ्रेम एंड इट वुड कम आउट द फ्रेम, और वो जो पिक्चर जो थी फ्रेम से बाहर आ जाती है।
देन ही वुड ट्राई टू सेव द ग्लास, फिर वो ग्लास को सेव करने की कोशिश करते हैं एंड कट हिमसेल्फ, और उनकी उंगली में चोट लग जाती है। एंड देन ही वुड स्प्रिंग अराउंड द रूम लुकिंग फॉर हिज हैंडकरचीफ, जो चोट लग जाती है तो खून बहने लगता है, उसके ऊपर हैंडकरचीफ बांधना है तो उसके लिए वो ढूंढते हैं उसको, हैंडकरचीफ कहाँ है। ही वुड नॉट फाइंड इट बिकॉज इट वॉज इन द पॉकेट ऑफ द कोट ही हैड टेकन ऑफ, वो नहीं मिलता उनको क्योंकि वो उन्होंने अपने कोट की पॉकेट में रख दिया था और उसी में वो उसकी उसी वो कोट कहीं पर उतार के रख दिया। अब पूरी कॉमेडी चल रही है। एंड देन ही डिड नॉट नो वेयर ही हैड पुट द कोट, और उनको पता नहीं कोट कहाँ रख दिया। एंड ऑल द हाउस हैड टू लीव ऑफ लुकिंग फॉर हिज टूल्स एंड स्टार्ट लुकिंग फॉर हिज कोट, और जो बाकी लोग जो दूसरे कामों में लगे हुए थे, कोई हैमर ला रहा था, कोई ये कर रहा था, वो सब काम छोड़ के अब उनका कोट ढूंढने में लग गए। वाइल ही वुड डांस अराउंड एंड हिंडर देम, और वो इधर उधर भागते रहेंगे और उनको भी काम नहीं करने देंगे, उनको भी ढूंढने नहीं देंगे, वो भी ऐसे ऐसे घूमते रहेंगे चारों तरफ, ऐसे सबको रोकते रहेंगे बीच बीच में, ऐसे इस तरह से वो भागेंगे। डज नॉट एनी बडी इन द होल हाउस नो वेयर माई कोट इज़, क्या किसी को नहीं पता कि मेरा कोट कहाँ है। आई नेवर कम अक्रॉस सच ए सेट इन ऑल माई लाइफ, मैं ऐसी किसी सच ए सेट मतलब ऐसे ऐसी यहाँ पे फैमिली के बारे में मतलब बोला गया, मैंने ऐसी फैमिली कहीं नहीं देखी है। अपॉन माई वर्ड आई डिड नॉट, मैं अपने वर्ड्स मतलब वो अपने वर्ड्स के लिए बोल रहे हैं कि मैंने ऐसा सही में ऐसे कभी भी नहीं देखी है। सिक्स ऑफ यू, तुम सिक्स हो, किसी किसी काम के लायक नहीं हो। एंड यू कैन फाइंड इट कोट एंड पुट डाउन नॉट 5 मिनट्स अगो, वेल ऑफ ऑफ ऑल दी। फिर वो बोलते हैं अभी तुम 6 के 6 हो और तुम उस कोट को ढूंढ नहीं पा रहे हो जो जस्ट मैंने 5 मिनट पहले ही खोला है। तो इस तरह से अभी ये ऐसी सिचुएशन हो जाती कि वो सबको डांटने लगता था। देन ही वुड गेट अप एंड फाइंड दैट ही हैड बीन सिटिंग ऑन इट, देन वो उठते हैं चेयर से, देखते हैं कि वो उसी पे बैठे हुए थे कोट के ऊपर भी, एंड वुड कॉल आउट। और फिर वो और वो फिर भी डांटते लोगों को, ओह यू कैन गिव इट अप, तुम अब ढूंढना बंद कर सकते हो, आई फाउंड इट माई सेल्फ नाउ, मैंने अपने आप ही ढूंढ लिया मेरा कोट। माइट जस्ट एज वेल आज द कैट टू फाइंड एनी थिंग एज एक्सेप्ट यू पीपल टू फाइंड, मैं किसी कैट को बोलने को ढूंढने को बोल सकता हूँ पर तुम लोग को नहीं बोल सकते, तुम लोग को बोलना ही बेकार है, ऐसे करके उन लोग को फिर से डांटने लगे। एंड वेन हाफ एन आवर हैज बीन स्पेंट इन टाइंग अप हिज फिंगर, और फिर आधा घंटा वो अपने फिंगर को टाई करने में लगा देते हैं जहाँ चोट लगी थी। ओके हाँ ओके, एंड ए न्यू ग्लास हैड बीन कॉट, और फिर नया नया ग्लास उस फ्रेम में फिक्स कर देते हैं। एंड द टूल्स एंड द लेडर एंड द चेयर एंड द कैंडल हैज बीन ब्रॉट, फिर सब बाकी सब सामान भी लेके आया जाता है। ही वुड हैव अनदर गो, फिर से वो ट्राई करते हैं। द होल फैमिली इंक्लूडिंग द गर्ल एंड द चार वुमेन मतलब वहाँ की मेड वुमेन है, स्टैंडिंग अराउंड इन द सेमी सर्कल, सबके सब लोग उसको घेर के खड़े हो जाते हैं, रेडी टू हेल्प। टू पीपल वुड हैव टू होल्ड द चेयर एंड थर्ड वुड हेल्प हिम टू गॉट हेल्प हिम ऑन इट एंड होल्ड हिम देयर, तो दो दो लोग उसको चेयर को पकड़ के बैठे हैं, एक उसको खुद को पकड़ के बैठा है, और फोर्थ वुड हैंड में नेल, चौथा उसको नेल हैंड ओवर करेगा, एंड फिफ्थ वुड पास में हैमर एंड ही वुड होल्ड द नेल एंड ड्रॉप इट। तो इस तरह से सारी सिचुएशन सबको काम में लगा दिया, और फिर वो जब नेल को वो जब उनको नेल दी गई तो उन्होंने नेल को वहाँ पे लगाया और उसको गिरा दिया। देयर ही वुड से इंजर्ड टोन, नाउ द नेल्स गॉन, अब उनकी नेल खो गई है। एंड वी वुड ऑल हैव टू गो डाउन टू आवर नीज एंड ग्रोवल फॉर इट, और सबके लोग अपने अपने घुटनों के बल उसको ढूंढने में लग जाते हैं। एंड वाइल ही वुड स्टैंड ऑन द चेयर, वो अपने स्टैंड पर आराम से चेयर पर खड़े रहते हैं एंड ग्रंट गुर गुर करते रहते हैं। एंड वी वॉन्ट टू नो एंड वॉन्ट टू नो इफ ही वॉज टू बी केप्ट देयर फॉर ऑल इवनिंग, क्या मुझे पूरी शाम तक यहीं पर खड़ा रहना पड़ेगा, इस तरह से वो बोलते हैं। द नेल वुड बी फाउंड एट लास्ट बट बाई द टाइम ही वुड हैव लॉस्ट द हैमर, जब नेल मिल जाती तो तब उनका हैमर खो जाता है। तो इस तरह से बड़ी कॉमेडी चलती है उनके घर में, वेयर इज द हैमर, ओके व्हाट डिड आई डू टू द हैमर, मैंने हैमर के साथ किया क्या, ग्रेट हेवन 7 ऑफ यू गैपिंग अराउंड एंड यू डोंट नो व्हाट आई डिड विद दैट हैमर, तुम 7 के 7 लोग खड़े हो पर तुमको पता नहीं मैंने हैमर कहाँ रखा। यू वुड फाइंड द हैमर फॉर हिम, ये लोग जो है सब उसको हैमर को ढूंढ के देते हैं
एंड देन ही वुड लॉस साइट ऑफ द मार्क ही हैड मेड ऑन द वॉल। अब मार्क की बारी, जब उन्होंने कहा मार्क बनाया था, कहाँ नेल गाड़नी है, वो मार्क हो जाता है, उनको पता नहीं पड़ता कहाँ मार्क बनाया था। वेयर द नेल वॉज टू गो इन, जहाँ जहाँ नेल लगानी है, कहाँ कहाँ लगाएंगे नेल को, वो मार्क कहाँ है। एंड ईच ऑफ अस हैड टू गेट अप द चेयर बिसाइड हिम एंड सी वी कुड फाइंड इट, और हम सब लोग उस मार्क को ढूंढने में लग जाते हैं। एंड वी वुड ईच डिस्कवर इट इन अ डिफरेंट प्लेस, और सब लोग एक नया नया मार्क बताते हैं कि यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे था। ओके, तो इस तरह से पूरे घर में कॉमेडी चल रही थी। एंड वी वुड ईच ओके एंड ही वुड कॉल अस ऑल फूल वन आफ्टर अनदर, और सबको हमको वो हमको फूल बोलते थे, तुम कुछ काम के नहीं हो करके। एंड टेल अस टू गेट डाउन, और सबको बोलते थे चलो तुम नीचे आओ मैं ढूंढूंगा। एंड ही वुड टेक द रूल एंड री मेज़र, फिर उसे वो रूल लिया, फिर से री मेज़र किया कि कहाँ पर मार्क लगाना था। एंड फाइंड दैट ही वॉन्टेड 31 3/8 inches फ्रॉम द कॉर्नर एंड वुड ट्राई टू डू इट इन हिज हैंड हेड एंड गो मैड। फिर वो मेज़र करते हैं, मेज़र करने में उनको याद रखना है कि 31 3 inches जो होता है वो कॉर्नर से लेना है। अब वो उनको याद नहीं रहता है, अपने दिमाग में याद करने की कोशिश करता है, याद नहीं रहता है, तो फिर से कन्फ्यूजन खड़ा हो जाता है। एंड ही वुड ऑल ट्राई टू डू इट इन आवर हेड्स, तो तुम हम सबको काम दे देते हैं कि भाई तुम याद रखो उसको कितना 31 3 inches फ्रॉम द कॉर्नर। ओके एंड ऑल अराइव एट डिफरेंट रिजल्ट, सब लोग जो है अलग अलग, फिर से किसी के मन में माइंड में याद नहीं रहता है, सब लोग डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट बोलते हैं। एंड स्नियर एट वन अनदर, एंड सब लोग एक दूसरे पर रिमार्क मारते हैं, मतलब सब मजाक कर रहे थे वो सब लोग। ही वुड यूज़ ए बिट ऑफ स्ट्रिंग दिस टाइम, अब फिर वो क्या करते हैं कि स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हैं, धागा यूज़ करते हैं। एंड एट द क्रिटिकल मोमेंट व्हेन ही वाज लीनिंग ओवर द चेयर एट द एंगल ऑफ 45 एंड ट्राइंग टू रीच अ पॉइंट देयर 3 inches बियॉन्ड व्हाट वाज पॉसिबल फॉर हिम टू रीच, द स्ट्रिंग वुड स्लिप। अब वो जब स्ट्रिंग से ही, मतलब वहाँ से झुकने की कोशिश कर रहे थे 45 डिग्री के एंगल पे, और 3 inch ज़्यादा दूर हो गया जहाँ तक वो जा सकते थे, उससे भी ज़्यादा वो झुकने की कोशिश कर रहे थे, स्ट्रिंग जो था वो स्लिप हो गया। एंड डाउन ही वुड स्लाइड ऑन द पियानो, और वो ज़ोर से धड़ाम से पियानो पे के गिरे। ए रियली फाइन म्यूजिकल इफेक्ट वुड प्रोड्यूस बाय द सडननेस विथ विच हिज हेड एंड बॉडी स्ट्रक ऑल द नोट्स एट द सेम टाइम, और पियानो से एक ज़ोरदार बढ़िया सी आवाज़ निकली जब उनका हेड और उनकी बॉडी जो है पियानो के टिन टिन पूरी इसमें आवाज़ आई फिर इसमें। तो इस तरह से कॉमेडी चल ही रही थी। एट लास्ट अंकल पोजर वुड गेट द स्पॉट फिक्स, और एट लास्ट जो था उनको वो उन्होंने स्पॉट फिक्स कर दिया एंड पुट द पॉइंट ऑफ द नेल ऑन इट विथ हिज लेफ्ट हैंड, और उन्होंने लेफ्ट हैंड से उसके नेल के ऊपर लग दिया। एंड टेक द हैमर इन हिज राइट हैंड, और हैमर जो है राइट हैंड में ले लिया। ओके हाँ, देन एंड विद द फर्स्ट ब्लो ही वुड स्मैश हिज थंब, आज जोर से मारा और अपने थंब पे लगा लिया उन्होंने। एंड ड्रॉप द हैमर विथ ए वेल ऑन ए समबडीज टो, और हैमर भी जो था किसी के टो पे गिरा दिया। तो इस तरह से वो जब भी वो काम करते हैं कुछ ना कुछ उनका गड़बड़ होता ही है। आंट मारिया वुड माइल्डली ऑब्जर्व दैट नेक्स्ट टाइम अंकल पोजर वॉज गोइंग टू हैमर ए नेल इन टू द वॉल, आंटी जो ये सब देख रही थी वो बोल रही थी नेक्स्ट टाइम से जब ये अंकल वॉल अपनी अपने वॉल पे कुछ लगाएंगे, शी होप्ड ही वुड लेट हर नो इन टाइम, तुम जो है वो बोल रही थी कि तुम मुझे पहले से ही बता देना, सो दैट शी कुड मेक अरेंजमेंट टू गो एंड स्पेंड ए वीक विथ हर मदर वाइल इट इज़ बींग डन, सो दैट मैं एक हफ्ते के लिए घर चली जाऊँगा, तुम ये पीछे से काम करते रहना करके वो भी कमेंट मार रही थी। ओह यू वुमेन यू मेक सच ए फस ओवर एवरीथिंग, तुम हर चीज़ में ऐसा इस तरह से मजाक बना दियो करके इस तरह से बोल रही थी। अंकल पोजर वुड रिप्लाई पिकिंग हिमसेल्फ अप, वाई आई लाइक डूइंग ए लिटिल जॉब ऑफ दिस सॉर्ट, अंकल पोजर वो रिप्लाई दिया और फिर अपने आप को बोले कि मैं बड़ा आदमी इतना छोटा जॉब क्यों करूँ, मुझे नहीं करना चाहिए था फिर भी। एंड देन ही वुड हैव अनदर ट्राई, फिर उसने अनदर ट्राई किया। एंड एट द सेकेंड ब्लो द नेल वुड गो क्लीन थ्रू द प्लास्टर, और दूसरे ब्लो में जब दूसरा ठोका उन्होंने तो पूरा प्लास्टर उन्होंने गिरा दिया। एंड हाफ द हैमर आफ्टर इट एंड अंकल प्लेजर बी प्रेसिपिटेटेड अगेन द वॉल्स और एंड फोर्स नियरली सफिशेंट टू फ्लैटन हिज नोज, प्रेसिपिटेट का मतलब है एकदम वहाँ जाके गिरे उस वॉल के ऊपर में और उनके एकदम उनकी नोज पे जाके लगी हो। देन ही हैड टू फाइंड द रूल एंड द स्ट्रिंग अगेन, फिर उनको रूल और स्ट्रिंग ढूंढना पड़ा।
एंड अ न्यू होल वॉज मेड, और नया होल बनाना पड़ा। एंड अबाउट मिड नाइट द पिक्चर वुड बी वेरी क्रूक्ड एंड इनसिक्योर। और जैसे पिक्चर में यहाँ पे जो एकदम से टेढ़ी मेढ़ी लगी और कैसे तरह किसी भी तरह लटक रही थी। एंड द वॉल फॉर द यार्ड्स राउंड लुकिंग एज इफ इट हैज़ बिन स्मूथ डाउन विद द रेक। रेक मतलब यहाँ पे जैसे कोई घास काटने की मशीन होती है, ऐसी कोई टूल होता है गार्डन में। ऐसा लगा कि वॉल के ऊपर किसी ने उसको पूरा चला दिया और सारा प्लास्टर खोड़ गया था। एंड एवरीबडी डेड बीट एंड व्रेच एक्सेप्ट अंकल खोजा। सब लोग जो थे थक गए थे और एकदम दुखी हो गए, क्योंकि इतना मेहनत करनी पड़ी थी और मेहनत करने के बाद ही पिक्चर ऐसी टेढ़ी लगी। बट अंकल पूजा बड़े खुश थे। देयर यू आर ही वुड से स्टेपिंग हेविली ऑफ द चेयर ऑन द चार वुमन कॉर्नर्स कॉर्न्स। और वो अपनी जो चार वुमन जो मेड की थी, मेड थी, वो नीचे उतरे इस चेयर पे और उसके पैर पे पैर रख दिया। एंड सर्विंग द मैस ही एंड मेड विद एविडेंट प्राइड। और अपने जो मैस उन्होंने बनाया था फिर भी वो उनको प्राउड फील हो रहा था, अरे मैंने लगा दी, मैंने पिक्चर लगा दी करके वो प्राइड फील कर रहे थे। वाई सम पीपल वुड हैव टू हैड ए मैन इन इन टू डू ए लिटिल थिंग लाइक दैट। क्यों लोगों को इतने छोटा सा काम करने के लिए किसी कारपेंटर या ऐसे किसी लगाना पड़ता है। हैड ए मैन इन टू का मतलब होता है किसी और को काम देना पड़ता है, तो ये छोटा सा काम तो मैं ही कर सकता हूँ करके वो अभी भी प्राउड फील कर रहे थे। तो ये छोटा सा चैप्टर था जीराम के जीराम का, बड़ी कॉमेडी वाला था। आप लोग भी पढ़ेंगे तो बहुत हंसी आएगी आपको। मैं तो बहुत हंसा इसको पढ़ पढ़ के। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।